राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले गोरखपुर के जनपद अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर सेवा संवर्ग एवं कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों को निस्तारण करने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद कर्मचारी परिषद के जनपद अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञापन में 6 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों को वेतन मानदेय प्रत्येक मामले में 5 तारीख तक भुगतान कराए जाने के संबंध में तथा जनपद के समस्त विभागों के कर्मचारियों का सेवा पुस्तिका GPF पासबुक सत्यापन कराकर अपटूडेट कराया जाए और अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती की गई राशि सत्यापन कराकर अपडेट कराएं। शासनादेश के अंतर्गत 7वें वेतन का दूसरा कर्मचारियों को 30 जून तक भुगतान कराए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, रूपेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, देखिए आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद शाखा के गोरखपुर के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि तमाम ऐसी लंबित समस्याएं हैं जो गोरखपुर में पेंडिंग है और सरकार की भी मंशा है कि हर माह जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर महोदय हमसे बात करें और बात करके जो कर्मचारियों की समस्या है जनपद स्तर पर निपटाई जाए और जो बाहर की समस्या है वो जिला प्रशासन द्वारा शासन में जाए जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हो। इसी क्रम में आज ज्ञापन देने आए थे और आज हम लोग मिलकर ज्ञापन दिए हैं।